आप अगर 2024 में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे वर्क परमिट दे रहा है, स्किल्ड वर्कर को भी दे रहा है, एज अ फ्रेशर आप हो फिर भी आपको दे रहा है। इसमें अगर बात करूँ कि लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लाइक हमने 10वीं 12वीं और या फिर ग्रेजुएशन ही करी हुई है, कोई ज़्यादा हमें हमारे पास कोई मतलब लाइक स्किल्ड नहीं है, कुछ काम हमें आता नहीं है, हम एज अ फ्रेशर हैं तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उन सब के लिए है कि आपको एज अ फ्रेशर अगर अप्लाई करना है तो आपको कंपनीज पहले देखनी पड़ेंगी। जिससे seek.com पर अलग अलग वेबसाइट पर कंपनीज आपको मिल जाती है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होता है प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर। सीवी एंड कवर लेटर के बिहार पर आप अप्लाई करके आप अपना स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। उसके बाद आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको इजीली वर्क परमिट मिल जाता है। और जब बात करूँ फूड एंड अकोमोडेशन की, तो कंपनी आपको फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, फ्लाइट की टिकट कंपनी देती है। इसका मतलब सीधा सीधा आपका ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता, आप बहुत ही कम खर्चे में ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो बहुत सारे एजेंट के पास चले जाते हैं, एजेंट क्या करते हैं 20 से 25 लाख रुपये मांगते हैं इसी प्रोसेस के, जो प्रोसेस फ्री है उसी के 20-25 लाख रुपए मांग के आपसे चार्जेस ले लेते हैं। तो आपको उन चक्करों में नहीं फंसना, उन चीज़ों में नहीं फंसना। मैं जो आपको गाइड करता हूँ आप खुद से आप अप्लाई करो। सीवी कवर लेटर के पैसे नहीं है तो आप खुद से बनाओ, मुझसे गाइडेंस लो, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। पर बात इतनी होती है ना कि लाइक आप सीवी कवर लेटर बनाते हो, आप कंपनीज में अप्लाई करते हो, आपको टाइम बहुत लग जाता है। आप हमसे करवाते हो या फिर किसी प्रोफेशनल से कराते हो, थोड़ा फास्ट होता है और आपको जल्दी ही रिजल्ट मिल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि मुझे कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि लाइक हमारे साथ फ्रॉड हो गया, बहुत सारे लोग हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, सही सीवी कवर लेटर ही बनाया, उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। तो जी देखो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं आपकी हेल्प तब कर सकता हूँ जब आप फर्स्टली मेरे पास आओ। आप किसी के पास सीवी कवर लेटर बनवा लेते हो, किसी के पास से काम करा के उसको पैसे दे देते हो, किसी के पास से अप्लाई कर लेते हो, देन मेरे पास आते हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा रिजल्ट किसका आता है। मेन मैटर करता है रिजल्ट। आप सीवी कवर लेटर कितना भी महंगा बना लो, मैं कह रहा हूँ 50,000 का सीवी कवर लेटर बना लो, कितने भी अच्छे आदमी से बनवा लो, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नो मैटर कि आपका सीवी कवर लेटर कैसा था, आपके जॉब अप्लाई करने का तरीका कैसे था। तो वो चीज़ों का आपने खुद ध्यान रखना है, आपने खुद ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको खुद इतना एजुकेटेड बनना पड़ेगा लाइक आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कौन से सब क्लास में अप्लाई करके वीज़ा मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 482 में आप अप्लाई करते हो वहाँ से आपको वीज़ा मिलता है। अगर कॉस्ट की बात करूँ कि क्या कॉस्ट आती है वीज़ा के लिए, तो कॉस्ट आपको कोई ज़्यादा नहीं आती क्योंकि सारा कुछ तो कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड एंड अकोमोडेशन हर एक चीज़ लाइक आपको फ्लाइट टिकट तक ही कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई पैसे ना मांगे, वहाँ पर जॉब ना दे हमें। तो लीगली जो मैं बात करूँ, अगर आपको स्पॉन्सरशिप आई है, ऑफर लेटर आई है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, कितने आवर्स आपने काम करना, लाइक 9 to 5 अगर लिखा है तो 9 to 5 ही आपको काम करना है, उसके एक्स्ट्रा आप काम करते हो तो उसके अलग से पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उस ऑफर लेटर पर लिखी होती है। फ्रॉड किनके साथ होता है? फ्रॉड उनके साथ होता है जिनको समझ ही नहीं होती, ऑफर लेटर पढ़ना ही नहीं आता, उनके साथ फ्रॉड होता है। तो आपको एजुकेटेड होना है, आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें। आपको ऑफर लेटर आता है, आपको पूरा ऑफर लेटर 0 to 100 तक आपको चेक खुद से करना पड़ेगा। तो लोग पूछते हैं वीज़ा कितने साल का होता है, वीज़ा जो आपको 3 से 4 साल का मिलता है वो चीज़ें आपके ऑफर लेटर पे लिखी होती है। 3-4 साल के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से वर्क करते हो, उसके बाद आप वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआर भी बहुत इजीली हो सकती है, आपका वर्क परमिट भी एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपकी पीआर होती है तो आप अपनी देन फैमिली को बुला सकते हो, अपने बच्चों को बुला सकते हो, अपनी वाइफ को बुला सकते हो, सबको आप ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हो। तो सेटलमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट बहुत ईजिली हो जाती है, बस आपका इंडिया से अगर प्रोसेस सही से हो, अगर इंडिया से आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो सकते हो। बस मैं यही चीज़ें आपको गाइड करना चाहता था कि आप किसी स्कैम में मत फंसो, कहीं पर कोई फालतू पैसे ना दो, आप पैसे उनको दो, काम उनसे कराओ जो कि जेनुअन चार्जेस लेते हो, जो कि जेनुअन आपका काम करके देते हो। हमारी टीम क्या करती है, हम क्या करते हैं कि लाइक हम पहले बंदे का किसी पर्सन का सीवी कवर लेटर बनाते हैं, उसको सीवी कवर लेटर का दिखाते हैं, वो फुल सेटिस्फाइड होता है तो हम आगे जाके प्रोसेस करते हैं, लाइक अप्लाई करने का ही प्रोसेस है। उससे पहले सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं, हम उसे अच्छे से डीलिंग करते हैं, उसके बाद ही हम उसका काम करवाते हैं, तभी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम कंपनी को देखते हैं, कंपनी को क्या एलिजिबिलिटी है, लाइक डायरेक्ट कंपनी कहीं हमारे साथ टाई अप है उनसे भी हम बात करते हैं, seek.jora.com पे जो कंपनी होती है वहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास जितना ही बेस्ट हो सकता है हम आपके लिए करते हैं, आपको सर्विसें प्रोवाइड करते हो। तो देन आपने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरी टीम से या मुझसे बात करनी, मुझसे नहीं बात करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप उस पर कॉल करके आप उसे बात कर सकते हो। सीवी कवर लेटर बनवाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।